क्लास क्या हो गया? 11 चैप्टर क्या हो गया? 13 हो गया ना। एक्सरसाइज कौन हो गया? मिसलेनियस। समझ गया। इनका पहला सब एफ एक्स का मान किसके बराबर है? प्रथम सिद्धांत से जो है अवकलज ज्ञात करने के लिए इनका फॉर्मूला हम क्या लिखा है? एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है बोलो तुम? एफ एक्स प्लस लिमिट एफ टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स बटे एच, यही फॉर्मूला होता है। चलिए तो लिमिट हो गया एस टेंस टू क्या हो गया? जीरो। एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच। देखो एक्स है तब ना एक्स है। अब देखो एक्स में किसकी वृद्धि कर दिए हैं? अब देखो एफ एक्स प्लस एच की जगह पर क्या रखोगे? माइनस एक्स प्लस एच नहीं होगा जी, एक्स है तब ना एक्स है। एक्स प्लस एच होगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स प्लस एच नहीं होगा। 10 होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 10। 15 होगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 2t होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 2t। उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स प्लस एच होगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स प्लस एच नहीं होगा। माइनस को तो भूल जाओ, माइनस आगे में उड़ेगा। अब ये क्या है? माइनस है ना। प्लस क्या है? प्लस माइनस हो गया ना। एफ एक्स का मान क्या है? प्लस माइनस एक्स। एफ एक्स का मान क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बटे क्या हो गया? एच। हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस से इसमें गुना करो क्या हो गया? माइनस एक्स माइनस एच प्लस एक्स बटे एच। एक्स एक्स खत्म हो गया। अब देखो लिमिट एच टेंस टू क्या हो गया? जीरो माइनस एच बाय एच। पहला फॉर्मूला आपका हो गया जी यू वी बटे डी एक्स। देखिए इनका फॉर्मूला होता है डी एक्स प्लस यू डी वी बटे डी एक्स। डी एक्स ये हो गया ना जी सर। डी से डेरिवेटिव हो गया, समझ गया ना। अब यू बाय वी एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, समझ गया। इनको हम इस प्रकार से लिखते हैं यू वी होल डैश, यू वी होल डैश बराबर क्या होता है? वी यू डैश प्लस यू वी डैश वी डैश। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, उस पर हम क्या करते हैं ये डैश का चिन्ह चढ़ा देते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो आपका है डी यू बटे वी, डी यू बटे वी बटे डी एक्स। इनका देखो आपको हो गया बी यू बाय डी एक्स माइनस यू बटे बाय डी एक्स बटे क्या होता है? ये फॉर्मूला लिखा चुके हैं जी सर। अब देखिए तो पहले देखो किसका डिफरेंशिएट होता है? ऊपर वाले का। किसका डिफरेंशिएट होता है? और नीचे वाला स्थिर रहता है गुना में जी। और फिर किसका होता है? नीचे वाले का। तो ऊपर वाला क्या होता है? स्थिर रहता है, समझ गया ना। और नीचे वाले का क्या हो जाता है? नहीं हो जाता है वो। ये हो चुका है। अब देखो किसी भी हम कहेंगे जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू आएगा तो यहाँ पर जैसे साइन एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं? साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? कोस एक्स। कोस एक्स कोस एक्स होता है ना। एक्स का क्या होता है? इनटू एक्स वन एक होता है। एक्स का क्या होता है? एक तब होता है कोस, समझ गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पर डी एक्स रहेगा और साइन ई एक्स रहेगा। क्या रहेगा? साइन ई एक्स। तो साइन का क्या होता है? साइन एक्स। साइन का क्या होता है? कोस एक्स। चूंकि एक्स रहेगा सिंगल तो हमने एक्स देंगे, लेकिन है यहाँ पर क्या? ई एक्स है ना। क्या होगा एक्स? अब देखो अब देखो ए एक्स का भी ना होगा डिफरेंशिएट। ए एक्स का डिफरेंशिएट
तो x क्या है वेरिएबल है, ये क्या है कांस्टेंट है, ये का नहीं होगा डिफरेंशिएट बाहर आ जाएगा, x का क्या होगा ये होगा ना, ये कांस्टेंट ये होगा, ये गुणा हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, x का क्या होगा ये गुणा एक में होगा, उसके बाद देखो ये कोस क्या हो गया, समझ गया ना, यहाँ पर x था तो x का क्या हो गया था वन, यहाँ पर ए एक्स रहेगा तो ए एक्स का क्या हो जाएगा ए गुना एक, सी एक्स रहेगा तो क्या होगा सी गुना एक होगा ना, पहले साइन ए एक्स का डिफरेंस, हाँ कुछ भी नहीं सोचना है, साइन का जो होगा वो सोच लेना है कर देना है। उसके बाद देखो अब आपका मामला जो फंसेगा ये रहेगा साइन पावर एन एक्स बटा डी एक्स हो गया ना, अब जानते हो पावर क्या होता है गुणा, पावर क्या होता है गुणा होता है, और पावर में से एन हो गया साइन एन माइनस वन पावर एन एक्स, अब देखो पावर में से क्या होता है घट जाता है, घटा देंगे घट गया ना, पावर गुणा होता है पावर में से घटता है, अब देखो यहाँ पर x रहता तब ना कुछ x का मान एक हो जाता है, x रहता है तो हम क्या करते हैं एक, तो तब ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर x के जगह क्या है साइन x, x के जगह क्या है साइन x, और क्या हो जाएगा cos x, समझ गया ना, वैसे फॉर्मूला आपको क्या लिखा है डी एक्स पावर एन बटा डी एक्स, तो एन इंटू एक्स पावर क्या हो जाता है एन माइनस वन, एक्स का क्या हो जाता है डिफरेंस वन, ऐसे होता है जी, तो एक्स का क्या हो जाता है वन, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, समझ गया ना, अब हम आपको कहेंगे एक्स स्क्वायर, क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर का वन टू एक्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है पावर क्या होता है गुना में, पावर क्या है गुना होता है दो माइनस वन, पावर क्या है दो है तो पावर क्या होता है गुना होता है, पावर क्या होता है तो पावर दो गुना हो गया, अब पावर में से क्या होता है तो दो में से एक चला गया, एक्स पर कितना पावर बचा वन, नहीं चलते तो क्या होगा टू एक्स नहीं हो गया, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको d बटा डी एक्स एक्स पावर तीन, इनका क्या होगा डेरिवेटिव तीन तीन एक्स क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर पावर हम क्या बताएं पावर में से घटता है तो तीन में से गया क्या बचा दो बचा थ्री एक्स स्क्वायर क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर, अब और हम आपको एग्जांपल देते हैं डी एक्स पावर फोर बटा डी एक्स पावर क्यू फोर एक्स क्यू क्यू, अब डी एक्स पावर फाइव होगा इसका क्या होगा चार होगा पावर हो गया ना, अब ये तो हो गया, अब आप यहाँ पर देखो हम लेते हैं टू एक्स स्क्वायर ले लिए हैं ये एग्जांपल, अब बोलो फोर एक्स इनका क्या होगा फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स होगा नहीं होगा जी, जी ये पावर दो है ना दो इधर गुना हो गया तो चार हो गया चार दो दो नहीं क्या हो गया चार एक्स, इसमें से एक घट जाएगा एक बचा बचा, अब देखो यहाँ पर रहेगा नो एक्स पावर तीन बटा डी एक्स क्या होगा समझ गया ना, तो अब इनको उतार लो समझ गया, उसके बाद हम एक्सरसाइज का अगला सवाल बनाते हैं, दूसरा सवाल है इसका एक्स प्लस ये एक्स प्लस क्या है ए, तो मान लेना है मतलब लेट लेट मतलब माना कि वाई बराबर क्या हो गया एक्स प्लस ए हो गया ना, अब यहाँ पर लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 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 यहाँ पर एक्स अवकलन करने पर समझ गया ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो ये वाई है ना और डी बटा डी एक्स सम में गुणा कर देगा, यही हो गया
एक्स के सापेक्ष अवकलन, समझ गया ना जी सर। अब डी बटे डी एक्स लिए ना जी, डी बटे डी एक्स, वाई तो पहले से ही है, तो ये एक्स के सापेक्ष क्या हो गया अवकलन, अवकलन हो गया, समझ गया ना। अवकलन सर ए रहते, अब यहाँ पर क्या होगा बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा ये डी बटे डी एक्स, इधर गुना किए तो इधर भी ना करना पड़ेगा सर। तो अभी समझा रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट लगाएंगे तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना। चलो तो एक्स का क्या लिखा है वन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन हो गया, ये क्या है फर्स्ट टर्म, इनका क्या होगा जीरो, कांस्टेंट का नहीं निकलता जीरो जीरो होता, समझ गया ना। कांस्टेंट का क्या हो जाता है जीरो, एक्स का क्या हो जाता है वन, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है तो क्या हो गया वन आंसर। हाँ सर, ये कॉन्स्टेंट रहती है जी सर, ये एक्स है ना गुना में रहता है तो यहाँ पर ये देखो सिंगल एन है, इसमें है कोई वेरिएबल गुना है रहता तब जब टू ए रहता, टू ए रहे की दस ए रहे की पांच सौ ए रहे, सब जीरो ये होगा सब जीरो होगा। अब देखो एक्स के साथ एक्स कर रहे हैं तो एक्स उसमें रहेगा, समझ गया, तभी उनका मान जीरो नहीं होगा, या कुछ भी रहे तो जीरो होगा ही, उसका मान मतलब वेरिएबल छोड़ करके ए सर जी एक्स वाई जेड ये सब छोड़ करके मान ए होगा ना, इसका मान ए होगा एक्स डायरेक्ट, ये जो है ना ये हो गया यहाँ पे जीरो ना रखेंगे, एक्स का क्या होगा एक्स गुना एक्स का क्या होगा वन एक्स का मान यहाँ पे ए का तो डिफरेंशिएशन जीरो, लेट वाई बराबर आपको क्या है दिया लिखाओ ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस हो गया ना, तो ये आपका क्या हो गया यू, ये आपका क्या हो गया बी हो गया ना जी सर। तो यहाँ पर क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय क्या करेंगे डी एक्स करेंगे ना, तो बोलो ये यहाँ पर आपको होगा डी ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर होगा ना। तो अब यू और वी पर ना आ गया जी yes, इनका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एक्स प्लस बी यही होता है फॉर्मूला यू इंटू यू बी देखो जोड़ में इधर उधर यू पहले बोलो कि बी बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो चलो भी क्या होता है बी का मान क्या है डी का होल स्क्वायर है डी वाई डी बाई डी एक्स, अब क्या होता है डी यू बाय डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स बी प्लस बी, ये एक्स प्लस क्या हो गया बी बटा क्या हो गया डी एक्स प्लस, अब क्या होगा प्लस ए एक्स प्लस बी, अब यू पहले अब ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी का यहाँ पर जो है डिफरेंशिएट कर न दिए हैं, नहीं कर दिए हैं, अब नहीं होगा एक बार समझ गया ना। अब क्या होगा डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो सी एक्स प्लस बी हो गया ना, यहाँ पर देखो ए एक्स अब ए एक्स को विचार करेगा एक के होगा सिर्फ, तो ए ए ए ए ए कांस्टेंट है ये बाहर निकल आएगा यस सर, तो एक्स बचा एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा एक हो गया यस सर, ये है ना जी जी सर, ये हो गया एक का कुछ भी नहीं होगा, ये कांस्टेंट है बाहर निकल गया, एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव एक होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कल फॉर्मूला में लिखा है ना एक हो गया, ये प्लस है ना यहाँ पर प्लस देगा, अब बी का क्या है बी कांस्टेंट है इसको एक्स या कुछ गुना नहीं है सर, गुना रहता तो जीरो नहीं होता, गुना रहता नहीं होता समझ गया ना, अब यहाँ गुना है तो बाहर आ गया ना सर जी, उसके बाद देखो उसको ये जीरो हो गया ना, करना अब यहाँ पर देखो होल स्क्वायर अब यहाँ पर ये इनका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया ना, ये आपका प्लस हो गया ये एक्स प्लस क्या हो गया, अब देखिए
हम क्या बताएं पावर क्या होता है टू इन टू सी टू सी पावर गुना होता है ना गुना होता है सी तो पावर सी एक्स प्लस डी है तेरे बोलना नहीं है टू सी पावर क्या होता है गुना गुना होता है एक गुना आप देखो सी एक्स प्लस क्या हो गया डी दो में से एक गया दो में से एक गया एक को लिखो या नहीं एक को लिखो या नहीं कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है अब देखो जब एक्स रहता क्या रहता एक्स तो उसका हो जाता है एक तो उनको हम नहीं लिखते हैं समझ गया लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है एक्स की जगह क्या है सी एक्स प्लस डी है एक्स की जगह क्या है अब देखिए यहाँ पर सी एक्स है क्या है सी एक्स तो सी कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आ गया सी कॉन्स्टेंट है वो क्या हो गया बाहर आ गया अब देखिए एक्स है ना एक्स का क्या होगा वन वन होगा ना प्लस जीरो हो गया ना किसी को दिक्कत भी है तो चलिए सी एक्स प्लस डी का क्या हो गया होल स्क्वायर ये गुना एक क्या हो गया ये होगा जीरो जोड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये को हम पहले लिख लिए अब देखिए प्लस प्लस सी अब ये सी गुना एक सी हो गया जीरो क्या हो गया सी दो गुना सी क्या हो गया दो सी ये एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस क्या हो गया डी हो गया ना कॉमन भी आएगा कुछ तो सी एक्स प्लस डी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है प्लस डी कॉमन आ जाएगा ना तो सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लो एक स्क्वायर तो क्या होगा ए इंटू सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी प्लस टू सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस टू सी इंटू एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस बी ये हो गया ना अब आप करो क्या कि ए को इसमें गुना कर दो और इसमें गुना कर दो पांच नंबर का सवाल है लेट वाई बराबर क्या है एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी बचा सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी अब देखो यहाँ पर लिख देना है यू बाय वी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पहले एक्स हो गया डी वाई में क्या करेंगे डी एक्स ये आपको ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस क्या हो गया डी बटा डी ये बोलो कौन फॉर्म में है यू वाई में है तो पहले किसका डिफरेंशिएट होगा पहले भी पहले यू का यू का पहले यू का होगा ना yes, तो भी किस में होगा भी कॉन्स्टेंट गुना में होगा गुना में होगा तो भी का मान क्या है भी का मान क्या है बोलो सी एक्स प्लस डी गुना में रहेगा ना डिफरेंशिएट किसका होगा ए एक्स प्लस बी का समझ गया ना तो चलिए ये एक्स है ना एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव ये हो जाएगा ए गुना क्या हो गया ए गुना बी का क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो यहाँ पर क्या देंगे माइनस 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 सूत्र से क्या होता है माइनस अब बोलो गुना में क्या आएगा इसमें ए एक्स प्लस बी यहाँ पर गुना में क्या आता है यू आता है अभी यू सर यहाँ पे यू आएगा यू आएगा नहीं आएगा यू का मान क्या है यू का बी है ना ये अब किसका डिफरेंशिएट होगा सी एक्स प्लस डी का तो बोलो क्या होगा सी सी प्लस सही सी प्लस जीरो बटा बी स्क्वायर दो सवाल जो है इनको तोड़ के बनाने दो बाद में एकदम आप लोगों के लिए ही सवाल है सभी बटा बी स्क्वायर है यू बटा बी पर ही है बटा क्या होता है बी स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया ना अब अपना ऐसे जोर तोड़ करके एकदम नहीं निकाल लेगा।